और देखिए मम्मी किस तरह हिला रही है खाती थी। देखती है नहीं आहिस्ता है पूरा एकदम भरभरा के गिर जाता है। हाँ और ऐसे करने में हाथ में लगता है गड़ता है। देखिए कितना सफा हो गया है सब गुंडा हो गया है उसी में पूरा गंदा हो गया है और हम लोग को तो पूरा सामने ना। हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी को स्वागत है आप सभी का रामगढ़िया ब्लॉग्स में। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा धूप है इसलिए हम लोग का आंख ना मुंदा रहा है बहुत ज्यादा धूप दिखा रहा है। हाँ और आज दोस्तों हम लोग जितना भी हम लोग का लाहार था दोस्तों सूखने के लिए रख दिए थे इतना दिन से दो तीन एक महीना से ना कौन जी लार नहीं सरसों और देखिए दोस्तों उतारे हैं अभी हाँ, सरसों सूखने के लिए दे दिए थे टाइम नहीं मिल रहा था। हाँ तो आज हम लोग को टाइम मिला है इसको ढहराने के लिए तो अभी ढहराते हैं पीटेंगे उसके बाद निकालेंगे अभी सरसों और दिखाएंगे दोस्तों देहात में किस तरह सरसों निकाला जाता है किस तरह दाना रहता है और उससे तेल बनता है करुआ तेल। तो चलते हैं फटाफट अभी मम्मी पीटने के लिए जा रहे हैं और हम भी अभी पीटते हैं ढहराते हैं। तो दोस्तों बहुत पैसा का खाखान उड़ता है और गंदा भी उड़ रहा है इसीलिए हम माथा में बांध लिए हैं गमछा ऐसे कर दो पूरा जोर जोर से मारेंगे तो खेता जाते ना इधर टुकड़ा टुकड़ा हल्का हल्का हमें इसे मारना है आज हम लोग निकाल लिए आधा पैसा निकाले हैं आधा है और तो फाइनली दोस्तों देखिए हम लोग इतना सा पीट लिए हैं सरसों को और अभी हम थक गए हैं और देखिए पीछे के उधर खड्ढा सब जड़ सब क्या वो सब लेठा सब रख दिए हैं और देखिए दो बोझा सिर्फ बाकी है दोस्तों और मम्मी देखिए किस तरह पीट रही है देखिए और कितना सारा गुंडा हो गया दोस्तों एकदम लग रहा है कि जैसे कुछ खाने का है सूजी जैसा दिख रहा है देखिए भूसा इसको बोले भूसा नहीं है लेकिन दाना और देखिए दोस्तों कैसा दाना निकल रहा है इसी से तेल बनता है करुआ तेल जो दुकान में लेते हैं का मम्मी जब पीट लेंगे ना तो खड़ा सब देखो कच्चा सब तो अभी चलते हैं दोस्तों वहां पर खड़ा सब है खाली करते जाओ कहाँ फेंकेंगे बारी में देखिए एक हाथ में खड़ा सब है दोस्तों और एक हाथ में मोबाइल है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। इधर देखिए कितना धूप है आँख को मुंडा जाता है बहुत ज्यादा धूप है। इधर रख दिया देखिए यहाँ पर गोमढे छोटा सा है हम लोग को यहीं पर फेंक दिए दोस्तों और देखिए धूप का नजारा देखिए ओ भाई और बादल देखिए दोस्तों और देखिए हम लोग का घर कितना प्यारा दिख रहा है धूप का वजह से देखिए और हम लोग का पेड़ देखिए कितना हरा नज़र आ रहा है बहुत ही अच्छा नज़ारा है और बहुत ज़्यादा धूप है। और इधर दादाजी भी बैठे हुए हैं पूछते हैं गर्मी लग रहा है कि नहीं देखिए हम लोग का पहले का घर फूटा हुआ घर है देखिए दादाजी बैठे हुए हैं खाना खाएं चलिए और देखिए हम लोग का मुर्गी सब चे हो रहा है सब। फाइनली दोस्तों जितना भी ढेठा वगैरह था सबको फेंक दिए हैं और देखिए इतना सारा बाकी हम लोग को पीटने के लिए गुंडा करने के लिए कहा मम्मी और मम्मी बांध लिए अपना नाक मुंह ताकि घुसेगा नहीं मुंह में कुछ गंदा वगैरह और देखिए तो चलते इतना सारा पीटते हैं फटाफट अभी दिखाते हैं दोस्तों किस तरह हम लोग का निकलेगा अभी दाना कहा मम्मी। देखिए दोस्तों सब खत्म हो गया हम लोग को बोझा सरसा का बोझा अब इसको खाती में चालते हैं जो बड़ा बड़ा खाड़ी है ना उस सबको पोचरने में
ही नहीं, इतना बड़ा बड़ा है ना, उसको पछड़ने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग आटे में देते हैं, देखते सूप में डाल के इसको छानते हैं, नीचे सब फरसा गिर जाता है और ऊपर में जो खड़ा रहता है ना वो वाला रह जाता है। देखिए, और देखिए नीचे पे कैसा गिर रहा है दोस्तों। हाँ, पैसा नीचे गिर जाता है, उसके बाद में पोछरेंगे, जल्दी पोछड़ हो जाएगा। चलिए फिर से उठाइए। देखिए मम्मी किस तरह अभी इसको अलग करेगी दोस्तों, भूसी को अलग कर रहे हैं। हम लोग का देहाती स्टाइल है दोस्तों, पहले जमाना का आदमी इसी तरह करता था खाटी में। आप लोग तो कभी देखे नहीं होंगे, हम लोग देखे हैं, इसका दादी ऐसे ही करती थी, तो हाँ कर रहे हैं। देखिए और देखिए जैसे हिलाती है, इसे चलाती है ना खटिया के ऊपर में, तो जितना दाना है ऐसा दाना सब नीचे खाटी के अंदर गिर जाता है। जाओ अब इसको टोकरी भर गया है, इसको फेंक के आओ। पहले सूप कहाँ गया रे, देखिए कितना दाना है नीचे, देखिए इवला हम लोग पीते हैं सो दोस्तों। देखिए मम्मी उधर जमा कर रही है, और जितना भी इधर है ना दोस्तों, कितना दाना है, एकदम सरसा दाना बहुत ही ज्यादा है। अभी देखिए इसको इसे भरेंगे, पतैया देखिए यहाँ पर ऐसे कर दिए, ऐसे करके ऐसे कर दिए, और देखिए हम भी अभी ऐसे करके चालते हैं दोस्तों। गिर रहा है ना, बड़ी हवा चल रहा। और देखिए मम्मी किस तरह हिला रही खाटी पे, देखिए नहीं आहिस्ता है, भरा के गिर जाता है। हाँ, और ऐसे करने में हाथ में लगता है, गड़ता है। वो छरने के लिए चलते हैं, हवा भी दे रहा है। बहुत ही गंदा है दोस्तों, और देखिए बहुत ज्यादा तेज हवा चल रहा है, तो हम लोग को पोछने में अच्छा लगेगा हवा में। और देखिए इतना सारा अभी फटाफट, देखिए मम्मी इधर पोछर रही है, देखिए कितना सफा हो गया है पूरा, और देखिए कितना गंदा उधर है, और देखिए इधर ऐसे ही पत्थर पत्थर के अभी रखना होगा परात में। देखिए दोस्तों हम पोछरने जा रहे हैं, बहुत गंदा है सरसा में ना, गरी गरी गरी। बहुत गंदगी है, पूरा जो पत्ता रहता है सब गुंडा हो गया है, उसी में पूरा गंदा हो गया है, और हम लोग को तो पूरा शाम में नहाना पड़ेगा, जब पूरा खत्म हो जाएगा तब। और ये देखिए दोस्तों, ये वाला हम लोग का लास्ट बचा एक सूप, आधा सूप है हम लोग का, खत्म हो गया, पोछरना हुआ और सब चीज पोछर के हम लोग रेडी कर चुके हैं। और देखिए उधर, चलिए इसको भी रख देते हैं। देखिए एक गमला हो गया, एक गमला दोस्तों दिखाइए, देखिए बढ़िया से देखिए दोस्तों, पूरा एकदम बता दे रहे हैं, इससे सरसों का दाना, इससे इतना बढ़िया तेल बनेगा ना दोस्तों, करुआ तेल, हम लोग राशन के लिए खरीदना नहीं पड़ेगा का। और देखिए पूरा एक गमला, बहुत ही एकदम बहुत ज्यादा निकल गया ना। चलिए देखिए बढ़िया से देखिए दोस्तों, कितना एकदम सोना चांदी जैसा एकदम भर भरा सोना काला काला दिख रहा है।
और देखिए उधर बकरी सब भी शाम के समय में आ गया है इधर, और बाबू भी आ गया है। इसका बुखार आया है थोड़ा, बाबू का बुखार आया। देखिए दोस्तों गाल फूला हुआ है, तनिक दिखा दो इधर। नहीं रहा, रोमांटिक नहीं कर रहा। हाँ चलो लास्ट कर देना, बाय बाय कर देना, नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को गर्दा उर्दा बचा ले, यही वाला लास्टिंग है। हाँ तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए, शाम भी हो चुका है, हम नहा धोएंगे, पूरा बहुत हो गया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली रिश्तों में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग्स में कल और फिर मिलेंगे सुबह। चलिए बाय बाय, खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, और इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए मत भूलिएगा राम गुड़िया ब्लॉग्स, वो भी चैनल है ना मम्मी। हाँ।